हेलो गाइस, वेलकम टू डब्ल्यू एच जी। तो गाइस, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW के बारे में, क्योंकि जो AEW है वो अपने काफी सारे रेसलर्स को आने वाले टाइम में कंपनी से रिलीज करने वाली है। वो कौन से रेसलर है जाने इस वीडियो में, तो वीडियो होने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप जानते हैं कि WWE पिछले काफ़ी समय से अपने रेसलर को रिलीज़ करती आई है, यानी कि साल 2020 से उन्होंने अपने रेसलर को रिलीज़ किया है। और जो भी रेसलर WWE से रिलीज होता है वो AEW में ही जाता है, लेकिन अब AEW ही अपने रेसलर को रिलीज़ करने वाली है, क्योंकि जो AEW में जो रेसलर्स वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि जो सुपरस्टार की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। दरअसल वो रिलीज तो नहीं करने वाली है, लेकिन वो अपने रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट दोबारा नहीं देने वाली है, यानी कि जब उन रेसलर्स का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो AEW उन रेसलर्स को फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेगी और कहेगी कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। तो इस बहाने से आप रिलीज तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं देने वाली है। इस लिस्ट में कुछ रेसलर्स का नाम आया है, जैसे कि बात करें तो उसमें है जॉय जनेला, लियो रस और ब्रायन केज, इन रेसलर्स का इसमें नाम आया है। और AEW भी इन रेसलर्स को फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली है। और वैसे जो लियो रस का कॉन्ट्रैक्ट वो 14 फरवरी को ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। जॉय जनेला और ब्रायन केज का भी कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म होने वाला है AEW के साथ, और उसके बाद AEW उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली है। इसके साथ साथ मार्को स्टंट को भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाली है, और इसके अलावा कुछ और सुपरस्टार को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी जिनका नाम अभी सामने नहीं आया है। तो ऐसे करके AEW अपने रेसलर्स को रिलीज कर रही है। तो गाइस, ये वीडियो तक आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक लिए बाय दोस्तों।